हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बता रहे हैं बीगो या फिर टिकटॉक या फिर क्वाई, कोई भी एप्लीकेशन है उस पर जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश बीगो पर कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो देखने रहे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलती है। ठीक है, अब जो हम बता रहे हैं जितने उसे ध्यान से सुनिएगा। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका एक समय निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, आप हमेशा समय पर वीडियो अपलोड कीजिए, जिससे आपके व्यूअर को ये रहे कि आपका जो भी वीडियो है आपको सुबह या शाम जो टाइम है वो एक फिक्स पर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम निर्धारित नहीं है तो हम आपको टाइम देते हैं, आप इस समय पर वीडियो देखिए, अपलोड कीजिए, आपका वीडियो जो ट्रेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है देख सकते हैं लोगों का जो है बहुत सा लाइक मिल जाता है। ठीक है, और व्यू मिलने के कारण ही लाइक मिलता होगा, ये आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपलोड करने से पहले आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके देख लेना है कि ट्रेंडिंग में कौन सा हैशटैग, सॉन्ग या फिर डायलॉग चल रहा है। तो उसको देखने के बाद आप तीनों को मिक्स कर दीजिए, जैसा कि देख सकते हैं अभी जय हिंद चल रहा है और रक्षाबंधन का भी चल रहा है। ठीक है, तो उनका हैशटैग जो है आपको यूज करना है और उसको मिक्सिंग कर देना है, जो भी ट्रेंडिंग आना है उसको यूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपना वीडियो शूट कर लीजिए। शूट करने के बाद जो है, ठीक है, शूट करने के बाद जो है आप करना क्या है, आपको ड्राफ्ट में सेव करके रखना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में आपको एक ऑप्शन, जब सेव करेंगे तो पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट का, उसको आपको अब मतलब वहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब क्या किया जाएगा, आपको 12:05 या 10 मिनट मतलब रात में, ठीक है, आधी रात के बाद आप उसे अपलोड कर दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा, मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आपको 12:00 के जब 5 या 10 मिनट पर अपलोड करेंगे तो वो जो होती है वो डे बदल जाती है, और डे का जो बदल जाने के बाद जो है वीडियो आप सुबह तक यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसमें आपको हज़ारों जो है आपको व्यू मिल जाएंगे। ठीक है, आपको उस पर जो है हज़ारों व्यू मिल जाएंगे, और हज़ारों व्यू के मिलने के बाद जो है 100 तक लाइक भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए, या फिर आप अगर टाइम टेबल बना लेते हैं सुबह 6 बजे या फिर शाम के 6 बजे, ये भी टाइम जो है अच्छा है, इसमें लोग देख सकते हैं, देखने वाले की संख्या अधिक होती है। अब बात है आप लोग दोपहर में वीडियो डाल दे रहे हैं या फिर कोई टाइम नहीं है उस पर अगर वीडियो डाल दे रहे हैं, तो इसमें जो है ट्रैफिक मतलब बीगो पर या फिर कहीं पर डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए, हम वीडियो डाल रहे हैं तो वहाँ पर देखने वाले की संख्या होनी चाहिए, और देखने वाले तभी होते हैं आपको पता ही है, रात को ही देखते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा सुबह देख लेते हैं। तो देखने वाले की संख्या ज़्यादातर रात को होती है, शाम में होती है, और ये जो होती है और बीच का जो टाइम होता है वहाँ पर जिनको काम नहीं है वो यहाँ पर अपलोड करने वाले होते हैं, सिर्फ देखने वाले की संख्या कम होती है, अधिकतर अपलोड करने वाली। तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ही आपको जो है वीडियो लाइक करेंगे और देखेंगे, लेकिन जहाँ देखने वाले की जब टाइम जिस टाइम आपका देखने वाले की संख्या अधिक है उस टाइम अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो तब जो है आपका वीडियो जो है ट्रेंडिंग आने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गौर से करना है, 12 बजे रात के बाद करने का मतलब है कि आप जब आप सुबह तक करेंगे ऊपर ही आपका जो लाइक होगा वो जो है आपका 50-60 तक हो जाएगा, और व्यू भी आपके 400-500 हो ही जाएंगे। उसके बाद जो है शाम जाते जाते 1000 तक 2000 तक आपका उस पर भी लाइक व्यू और लाइक हो जाएंगे, लेकिन आप वीडियो का कंटेंट अच्छा रखिएगा, नहीं तो आपको लाइक मिलना संभव नहीं है। अगर लाइक और शेयर अगर आपको मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा तो ट्रेंडिंग में जाने का चांस तो आपका 90% बढ़ जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर से बोलना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।